हेलो एंड वेलकम टू टेली एक्सप्रेस। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब आप सभी को बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां पर अब आप सब लोग ये देखेंगे कि अब जो अबीरा है वो कोर्ट पहुंच जाएगी और वो मासा को कटघरे में पहुंचने से रोकेगी। लेकिन क्यों करने वाली है अबीरा ऐसा? कौन सा सबूत लेकर आई है अबीरा? सुनकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, आप जरूर कर लें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें। दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अबीरा कोर्ट रूम में पहुंच चुकी है। वहां पर ऑलरेडी अरमान और अबीरा के देव सर मौजूद हैं। लेकिन अबीरा लेट क्यों आई? क्योंकि अबीरा को साबित करना था कि गलत कौन है। अबीरा को ये बताना था कि गलत अबीरा नहीं है। सबसे बड़ा सबूत लेकर अबीरा कोर्ट रूम में पहुंची। जी हाँ, अबीरा ने दिखाया अरमान को, मासा को, कोर्ट को वो वीडियो जिसमें संजय ने ये घिनौनी चाल चली थी। संजय ने एक तीर से दो निशाने करने की सोची। संजय ने पहले तो गरीबों के घरों में आग लगवाई, मासा की मर्जी के बिना साइन भी उसने फर्जी करे और ऊपर से उसने उन सारे पेपर्स को चोरी करके खुद अरमान के रूम से अपने पास रख लिए और अबीरा के बैग में डाल दिए, जिससे अरमान का शक अबीरा पे जाए। और वो संजय ही था जिसने मासा के बारे में मीडिया को बताया। इन शॉर्ट, संजय ने बहुत बड़ा स्कैम किया और ये चोरी पकड़ ली अबीरा ने। प्रूफ लेकर पहुंची अबीरा कोर्ट, जिसको देखकर उड़ गए सबके होश। और अब अरमान और मासा भी अबीरा से माफी मांगने वाले हैं, क्योंकि गलती अबीरा की नहीं बल्कि पोदार्स की थी। वेल दोस्तों, कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। कितने एक्साइटेड हैं आप देखने के लिए? हमें कमेंट्स में आप जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।